गर्मी है यार, ये एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो। आर यू ऑल्सो इन योर 40s और यही प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हैं? देन यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग मेनोपॉज। जैसे पीरियड्स आना हर फीमेल की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें बहुत फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, इन द सेम वे मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स का बंद होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ये बहुत फिजिकल और मेंटल चेंजेस आते हैं। सबसे पहले है हॉट फ्लशेस। उसमें आपको सडनली यू हैव अ फीलिंग ऑफ वार्म्थ एंड टिंगलिंग इन योर बॉडी और आपको बहुत गर्मी लगती है और एकदम से पसीना आता है। ये कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बैठे हो सकता है एंड दिस इज अ वेरी वेरी ट्रबलसम सिम्टम। देन नाइट स्वेट्स। उसमें आप रात को सोए हुए हैं, सडनली आपको लगता है कि उफ मैं तो पसीने से भीग गई। देन यू हैव मूड चेंजेस अराउंड द टाइम ऑफ मेनोपॉज। यू कैन फील मोर इरिटेबल, यू कैन फील एंग्शियस, आपको डिप्रेशन हो सकता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ सकता है और आप इमोशनली बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। देन योर स्किन एंड हेयर माइट फील मोर ड्राई टू यू। आपको ये फील होता है कि आपकी स्किन पहले जितनी सप्पल और जितनी ग्लोइंग थी अब उतनी शायद नहीं है। देन मेनोपॉज के अराउंड आपके जो पीरियड्स हैं उनका फ्लो हैवियर हो सकता है, लाइटर हो सकता है, वो थोड़े इररेगुलर हो सकते हैं। एंड ऑल्सो देर इज अनदर प्रॉब्लम विच कैन हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज, दैट इज वेट गेन, स्पेशली अराउंड द बेली एरिया, एंड दैट वेट इज वेरी हार्ड टू लूज। आपको ये लगेगा कि आप इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना डाइट कर रहे हैं, फिर भी वेट है कि लूज ही नहीं हो रहा। दीज ऑल चेंजेस आर ड्यू टू कि जो हमारे हॉर्मोन्स के लेवल हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो दो मेन फीमेल हॉर्मोन्स हैं, उनके लेवल्स मेनोपॉज में बिल्कुल डाउन आ जाते हैं।